हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है 14 अप्रैल और दिन है शुक्रवार और आज है सतुआइन। जैसे कि हम लोग इधर आज सतुआइन मनाया जाता है, आज संक्रांति होती है, उसी दिन सतुआइन मनाया जाता है। तो सुबह सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, बिल्कुल भी सुबह नहीं है और मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 9:15, क्योंकि लेट ही उठी थी। मेरा तबीयत नहीं सही था, पूरा जुकाम हो रखा है, आवाज़ से आप लोग को पता चल ही रहा होगा। तो आज सतुआइन है, तो सतुआइन में होता क्या है, जो सुबह सुबह सतुआ पिया जाता है, खाया जाता है। तो जिसको मन होता है वो खाता भी है, जिसको मन होता है पीता भी है। तो हम लोग पियेंगे सतुआ। तो सुबह है, सभी लोग नहा चुके हैं, श्रेया नहा रही है, बउआ भी नहा लिया, हम भी नहा लिए और श्रेया के पापा भी नहा चुके हैं। तो अभी हम लोग पियेंगे सतुआ और उसके बाद खाना पीना खाया जाता है। आज के दिन यही है कि आज सबसे पहले सतुआ ही खाया जाता है, इसलिए हम लोग कुछ भी पानी वानी नहीं पिए, आज सतुआ ही पियेंगे। तो चलिए बनाते हैं सतुआ, क्योंकि हम लोग ना नमकीन सब, मतलब बहुत आदमी जैसे गाँव में होता है ना कि चीनी डाल के सभी लोग पीते हैं और खाते भी हैं, उसी जैसे उसको थोड़ा सा नमक क्या मिर्ची उर्ची सब डाल के खाते भी हैं, बट मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं सतुआ पीती ही हूँ और मेरे हस्बैंड पीते हैं। चलिए पहले बना लेते हैं सतुआ। आप लोग बताइएगा, आप लोग किधर होता है कि नहीं होता है, हम लोग किधर ऐसा होता है। तो आज सतुआ पियेंगे। तो यहाँ पे मैं पानी ले ली हूँ और 3 गिलास पानी ली हूँ इसमें, क्योंकि 1 गिलास हम पियेंगे, 1 गिलास मेरे हस्बैंड, आधा गिलास बउआ, आधा गिलास श्रेया। श्रेया तो पी लेगी, बउआ का कोई ठिकाना नहीं है, जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करेंगे। पी लिया तो पी लिया, नहीं पिएगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पानी लिए हैं, उसके बाद सतुआ बनाना तो सभी लोग जानते हैं, उसमें तो कोई कलाकारी है नहीं, बट मैं आज सतुआ ही नहीं इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम सतुआ डालेंगे। तो इसमें सतुआ डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, तो इसमें हम काला नमक डालेंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट होगा काला नमक से। तो काला नमक भी डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी को ज्यादा नमकीन पसंद होता है, किसी को कम। उसके बाद इसमें हम नींबू डालेंगे। आजकल हम नींबू बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि देखिए कितना छोटा सा नींबू है और 20 रुपया में ये 3 ठो नींबू बस मिलता है, इतना महंगा हो गया है नींबू। पता नहीं, वो एकदम छोटा है, आप लोग देख सकते हैं कितना छोटा है। तो इसे हम नींबू को डालेंगे इसमें, नींबू। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड कर लेंगे, इससे बहुत ही चटपटा होगा थोड़ा सा। क्या बना लिया? उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स हो गया, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं ग्लास में फटाफट से। देखिए हम लोग का सतुआ बन के हो गया है तैयार, तो चलिए पीते हैं सतुआ। इनको आप लोग को भी हैप्पी सतुआइन, जो हम लोग किधर होता है। लीजिए सतुआ, लीजिए। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ ब्रेड सेकने के लिए, क्योंकि श्रेया और भगवान ने मतलब नहीं सतुआ पिया। श्रेया तो थोड़ा बहुत पी ली, बउआ बिल्कुल भी नहीं पिया। तो वही लोग को हम दे रहे हैं यहाँ पे ब्रेड, और हम लोग पी लिए हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग थोड़ा बहुत चना भी खा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैं कल डब्बा उब्बा धो के रखी थी, क्योंकि आटा पिसा के आया था, तो
गेहूँ पिसा के आया था, तो वो डब्बा खाली हो चुका था, तो जब खाली होता है तो मुझे लगता है कि ये गंदा हो चुका है, तो उसे हम धोते। क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? गंदा है। कौन क्या गंदा? दीदा गंदा की तुम झाड़ू लगा रहे हो। हाँ। तुम साफ कर रहे हो। हाँ। अरे वाह लला, इतना होशियार हो गया। अरे वाह लला, अंदर में भी घुस घुस के झाड़ू घुसा के लगा रहा है ना। चलिए हो गया, हो गया। अब झाड़ू रखाइए। अब रखाइए झाड़ू। हो गया रखाइए, जाइए। तो यहाँ पे हम थोड़ा देर बैठ गए वैसे ही फ़ोटो वोटो देखने के लिए। कुछ हमको फ़ोटो वोटो निकालना था उसमें से, तो वही हम सोच रहे थे कि उसको निकाल लें। उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो मैं किचन में आ गई थी। तो मैं खाने में बना रही हूँ छोला, काले वाले जो चने होते हैं उसके छोले बनाएंगे और सहजन की सब्जी बनाएंगे। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे कुकर चढ़ाई हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट कुकर में ही एक ही बार में बना लूँगी, क्योंकि छोला चावल के साथ खाना है। तो उसमें प्याज डाल के एक ही बार डाल के मैं दे दी हूँ, और इधर मैं सहजन की सब्जी बना रही हूँ। सहजन में आलू बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ, बस सहजन की सब्जी बना रही हूँ। आज है सतुआइन, तो आज सहजन की सब्जी बनती है। साथ में मैं बनाऊँगी चावल, तो उधर चावल भी चढ़ा देंगे। लेकिन वहाँ पर जब तक सीटी खुल रहा है तब तक मैं सोची, यहाँ पे कुछ बोतल थे जो कि मुझे पानी फ्रिज में अब रखने का टाइम आ गया, क्योंकि हम लोग रख रहे थे पानी, तो कोई कोई बोतल में ऐसे ही रख रहे थे। ये बोतल जो थे मैं इसको हम रखे थे, इसमें धूल उल पड़ गया था। एक दो तो ऐसे ही साफ था, एक दो था जो इसमें धूल उल पड़ गया था। तो वैसे भी पानी जब ठंडी में तो रखाता नहीं, क्योंकि ठंडी में हम लोग थर्मस का यूज करते हैं, उसके बाद तांबे वाला जो जग होता है उसमें रखते हैं, बोतल में बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो वही मैं धूल के रखने लगी। उसके बाद इधर मैं कूलर साफ़ करने चली गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और कल बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी और मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी दोपहर में, क्योंकि ऊपर का रूम है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, जो कि बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सोची मैं कूलर साफ़ कर लेती हूँ, आज है छुट्टी, तो ये भी मैं आ गई कूलर साफ़ करने के लिए। और फटाफट से पूरा मतलब साफ क्या करना था, ऊपर से तो साफ ही था, बट फिर भी मैं उसे अच्छे से पोंछ दी हूँ। अंदर जो था वो गंदा था, तो मैं सोची उसे अच्छे से साफ कर लूँ, उसके बाद उसे मैं पानी डाल के डिटोल डाल के चलाऊँगी। तो यहाँ मेरा खाना बन चुका है। खाने में ये देख लीजिए, छोला है, जो काले चने का मैं छोला बनाई थी तो वो है, और उसके बाद यहाँ सहजन की सब्जी भी बनाई थी। और ये छोला थोड़ा सा पतला है, क्योंकि चावल के साथ खाना है तो, और इसमें मैं मिर्ची बिल्कुल भी कम डाली हूँ, क्योंकि श्रेया को छोला बहुत पसंद है और मिर्ची हो जाता है तो खा नहीं पाती है। उसके बाद इसमें चावल बना ली। तो खाना मेरा बन गया है और अभी हम लोग खाएंगे। और टाइम कितना हो गया है? टाइम हो गया है 1:05, यानी कि लंच का टाइम हो चुका है और छुट्टी है। तो अभी आज छुट्टी है इसलिए, क्योंकि आज 14 है और शायद हमको लगता है क्या है, भीमराव अंबेडकर जयंती है शायद, उसी का, श्रेया का भी, बउआ का भी, सबका छुट्टी है। तो यहाँ पे खाना बन गया और मैं यहाँ पे दिखा दी हूँ आप लोग को छोला, सहजन की सब्जी, चावल और सलाद काटना बचा है तब मैं काटूँगी। और सहजन की सब्जी मैं इसलिए बनाई क्योंकि आज है सतुआइन, तो आज सतुआइन के दिन सहजन की ही सब्जी बनती है, जो हम लोग किधर इम्पोर्टेंट है, सहजन की सब्जी और आम की चटनी। बट आम नहीं मिला तो आम की चटनी हम नहीं बनाए हैं, बट सहजन की सब्जी हम बनाए हैं। और हम खाली सहजन बनाए, उसमें आलू बिल्कुल भी नहीं डाले, क्योंकि छोला बनाए थे तो आलू नहीं डाले कि सहजन सिर्फ खाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का इच्छा रहता है कि उसमें आलू ना पड़े, तो इसी वजह से आलू आज हम नहीं डाले हैं। और चलिए खाना पीना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग से शाम में, क्योंकि आज है सतुआइन, तो शाम में क्या बनता है हम लोग इधर तो शेयर करेंगे आप लोग के साथ। हे गाइज, गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो गया और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो मुझे पूजा के लिए दही जमाना था, जो कि कल जूड़ शीतल है और उसमें जो दही की ज़रूरत होगा उसके लिए मैं दही जमा रही थी। उसके बाद मैं चावल चढ़ाई हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चावल चढ़ा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं बड़ी बनाने के लिए जो होता है बेसन तैयार करना था, तो उसे मैं बेसन को उसमें जो भी डालना है, नमक, हल्दी, जवाइन, मंगरेल सब डाल के उसे मिलाऊँगी, उसके बाद बड़ी बनाऊँगी।
हे गाइस, तो मैं किचन में फिर से आ गई हूँ और आज है सतुआइन का मतलब शाम है और कल है जोड़ शीतल। तो जोड़ शीतल के लिए जो भी बनता है वो सतुआइन के दिन ही बनता है रात में, क्योंकि कल ना अभी जो रात में बनेगा उसी से कल उसका पूजा चूल्हा का जो चूल्हा उसका पूजा किया जाता है, तो जोड़ शीतल मनाया जाता है। तो अभी अच्छे से धो धा के अभी हम खाना बना रहे हैं, तो इस पहले हम भगवान को चढ़ाने के लिए जो होगा वो निकाल लेंगे। तो आज बनता है बड़ी, बड़ी भात और दही से चूल्हा का पूजा किया जाता है। तो वही मैं अब उस कुकर में चावल चढ़ाए, इधर बड़ी बनाने के लिए यहाँ कढ़ाई चढ़ाई हूँ, यहाँ पर बेसन मैं ये कर रही हूँ, इसका बड़ी बनाऊंगी। तो जूड़ शीतल जो स्पेशल जो खाना होता है यही होता है, बाद बाकी तरुआ पापड़ जो भी बनता है, सहजन की सब्जी बनती है जो कि मैं दिन में ही बना चुकी हूँ और वो सब्जी मेरा बचा हुआ है तो मैं अभी खाऊंगी। और कल ना सुबह के में चूल्हा नहीं जलता है, अभी जो बनेगा वही सुबह खाया जाएगा, सुबह के टाइम चूल्हा नहीं जलाया जाएगा। तो उस हिसाब से हम खाना बना रहे हैं, तो यहाँ पे अभी मैं बड़ी बनाऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा रोटी भी बना के रख लूंगी घी लगा के, क्योंकि सुबह के लिए सुबह में चूल्हा हम नहीं जलाएंगे, तो उसी का हम बड़ी भात यही सब खा लेंगे, दोपहर में देखा जाएगा। तो चलिए बड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरा खाना फाइनली बन चुका है और यहाँ देख लीजिए सारा, जैसे कि जो पूजा के लिए रखना है उसे निकाल लेंगे। तो चावल जो होता है उसमें पानी डाल के रखना होता है, यानी कि भीगा हुआ चावल जो होता है उससे सुबह पूजा होता है, वही भीगा हुआ चावल खाया भी जाता है। तो वो भात जो है उसे हम पानी में डाल के और जब खाना पीना अभी खाएंगे और वो भात जो रहेगा उसमें पानी डाल के छोड़ देंगे, और पूजा के लिए जो चावल होगा उसमें भी पानी डाल के छोड़ देंगे सुबह दही के साथ उसे, क्योंकि हम लोग इधर उसे बसिया भात यानी जुड़ैल भात बोला जाता है, यानी कि जूड़ शीतल तो होगा। और यहाँ पे मेरा सारा खाना बन चुका है, मैं सुबह के लिए रोटी भी देखिए बना के रखी हूँ घी लगा करके, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के मैं इसे गर्म कर लूँगी, या फिर ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे पकौड़ी बना ली हूँ और कढ़ी बड़ी तो आप लोग देख ही चुके थे, ये बन चुका है, और कुकर में यहाँ पे चावल बना है। तो यही था मेरा खाना जूड़ शीतल स्पेशल, और अभी पापड़ मैं इसमें छानूंगी, जब खाना खाने के लिए बैठेंगे तब इसमें पापड़ तल दूंगी, तेल इसमें है ही। तो यही जूड़ शीतल का जो खाना बनता है वो एक दिन पहले ही बनता है, सतुआइन के दिन ही बनता है। तो आज यही सब बनता है जो मैं बनाई हूँ, और बहुत तरह के अनेक व्यंजन जिसको जो मन होता है बनाते, मैं इतना ही फिलहाल बनाई हूँ। तो चलिए खाना पीना खाते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कूलर भी साफ़ की हूँ सुबह, क्योंकि मुझे कल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, दोपहर में एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैं दोपहर में कूलर साफ़ कर ली, सोची छुट्टी है तो मैं लगे हाथ कर लेती हूँ, और आज ही मैं चलाई भी हूँ इसको, क्योंकि बहुत दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आज मैं चलाई भी हूँ उस कूलर को। तो चलिए मैं ब्लॉग को ही पेंट करती हूँ, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।